और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम अपसेट करके दिखाई देगी, ये नहीं है। हाँ नो डाउट, एक बंदे के ऊपर एक बंदा इंजर्ड हो गया तो बंदा, हमारे जो बॉलर्स है ना वो एवरेज बॉलर है ऑलमोस्ट सारे, बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी स्पेशल नहीं है। हाँ फेवरिज्म जरूर चल रहा है कि जो फेवर में आया तो वही चल रहा है। स्पेशल ये होता था कि शुएब अख्तर एक नाम लिख लो, बाकी 10 और लिख लो। मैं 6 साल टीम में खेला हूँ, मैं बोलता था एक नाम लिख लो बाकी 10 और लिख दे आपने। बिल्कुल ये मैंने खुद किया हुआ, मैंने आंखों से देखा हुआ, मोहम्मद आसिफ एक है बाकी 10 कौन से काउंट करने आपने। पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ एक वक्त पे दुनिया हिला दी थी और कल रात को उन्होंने दोबारा दुनिया हिलाई अपनी स्टेटमेंट से। कितनी बड़ी बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे करंट फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन, हारिस, नसीम, जिनकी दुनिया तारीफ करती है, मोहम्मद आसिफ उनको एवरेज बॉलर कंसिडर करता है। वो कहते हैं मोहम्मद आसिफ या शुएब अख्तर जैसा बॉलर हो तो वो स्पेशल है, ये तीनों स्पेशल नहीं है। इतनी बड़ी बात, आप इससे मुतफिक हैं, आप एग्री करते हैं इस चीज़ से कि मोहम्मद आसिफ का ये कहना है कि शुएब अख्तर हो या आसिफ हो तो वो स्पेशल है, नसीम, हारिस या शाहीन किसी तौर पे स्पेशल नहीं है। और अभी उनके मैं आपको और कोट्स बताऊंगा उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, कोट्स उनके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि उनकी जो और स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर वो क्या आई हैं। पहले तो आपने सुन लिया है, वी हैव ऑल एवरेज बॉलर्स इन आर टीम राइट नाउ, हमारे सारे बॉलर्स एवरेज है। एक और इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम को इस एज में अभी भी T20 क्रिकेट में मेडन ओवर डाल सकता हूं, यानी कि बाबर का बल्ला नहीं हिलेगा अगर मैं अच्छी डिलीवरीज कराऊंगा। उन्होंने कहा कि बाबर का बल्ला सिर्फ तब हिलता है जब उनको बुरी गेंदें मिलती हैं, जब उनको स्पेस देते हो आप, जब वो अपना स्पेस चूज करके ड्राइव वगैरह मारता है, अगर आप अच्छी गेंदें करो तो पूरा ओवर मेडन खेल सकता है वो। उन्होंने ये भी कहा कि पावर प्ले में डॉट बॉलें खेल के सारा प्रेशर तो वो रिजवान पे डाल देता है। बाबर आजम का तो कहां है प्रेशर डालना रिजवान पे, रिजवान मारने के चक्कर में आउट हो जाता है, बाबर तो बल्ला ही नहीं उठाता पहले 6 ओवरों में, अच्छी गेंद डालो तो बल्ला नहीं उठता बाबर का। ये उनका करंट पाकिस्तान कैप्टन नंबर 1 जो ODI बैटर है, नंबर 5 टॉप 5 में ऑल 3 फॉर्मेट्स में जो बल्लेबाज है बाबर, उसके बारे में ये कहा है उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि बाबर के अलावा हमारे पास चॉइस ही नहीं है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। शायद अफरीदी कोशिश कर रहा है शाहीन को, यानी कि लाला कोशिश कर रहा है शाहीन को बार बार कप्तान बनाने की, बाबर को हटवाने की कप्तानी से, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, ये उनका कहना है मोहम्मद आसिफ का। जबकि शाहिद खान अफरीदी, लाला ने 4 दिन पहले दोबारा स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो शाहीन को पहले से कहता हूं कि कप्तानी नहीं करनी, कप्तानी छोड़ दो, मैं तो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी के भी हक में नहीं था शाहीन के। और समा न्यूज पे कैटेगोरिकली लाला ने कहा कि मैं बाबर को ही कप्तान देखना चाहता हूं, मैंने शाहीन को कहा है आपने कप्तानी नहीं करनी, कप्तानी ईजी नहीं है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो ये कैसा इल्जाम, ये कैसा एलिगेशन लगा दिया मोहम्मद आसिफ ने लाला पे, क्या लाला से खुद बात हुई आसिफ की, कैसे कह दिया? ये तो रिफ्ट और अफवाहें फैलाने वाली बात है जो अभी मुश्किल से खत्म हो रही थी, टीम से टीम सेटल डाउन हो रही थी, मुराल टीम का वापस आ रहा था शाहीन की शादी पे, बाबर, इमाम, ये सारे सरफराज, सॉरी रिजवान, ये सारे मिले एक दूसरे से, गले मिले, फखर, इफ्तिखार वगैरह, तो कुछ लगा कि वो र्यूमर्स डाई डाउन हो रहे हैं। ये तो आपने फिर वही उछाल दी चिंगारी आपने डाल दी कि अब आग लगे। फिर उनका ये कहना था कि मैं सलमान अली आगा को प्लेयर ही कंसिडर नहीं करता, आई डू नॉट कंसिडर हिम एज अ प्लेयर, ही इज अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। 50 से ऊपर की एवरेज के साथ वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करता है, 7वें नंबर पे आके टेल के साथ खेलता है, क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे। मोहम्मद आसिफ का ये कहना था कि वो तो तब रन करता है जब पाकिस्तान ने ऊपर से रन किए हुए हैं, जब पाकिस्तान रन नहीं करता तो आगा सलमान के रन नहीं आते, वो तो पता नहीं किसकी पर्ची है किसकी सिफारिश है, ये तक कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक स्पिनर जो है वो मुश्ताक अहमद की पर्ची है, उसकी सिफारिश है, और कहा कि इमाद वसीम को लॉबी के तहत बाहर रखा हुआ है, लॉबी यानी कि बाबर आजम की लॉबी है जिसने इमाद वसीम को बाहर रखा क्योंकि उसको पसंद नहीं करते और वो सारा खाना नहीं खाता बाबर के साथ। ये उन्होंने हसन अली के बारे में कहा, उन्होंने कहा लॉबी हसन को वापस ले आई है, आप मेरे साथ खाना खाओ, मेरी गुड बुक्स में आओ, मैं आपको टीम में रखूंगा, मैं ड्रेसिंग रूम में उन प्लेयर्स को चाहूंगा जो मेरी गुड बुक्स में है, जो मेरी लॉबी में है, जो मेरे साथ खाना खाते हैं, मेरे साथ उठते बैठते हैं, इसलिए हसन वापस आया है। उन्होंने कहा हमारे जमाने में भी इंकशाफ उनका, हमारे जमाने में भी लॉबी थी, लॉबी प्लेयर्स को बाहर नहीं करती इतने आराम से, और अगर अच्छा प्लेयर लॉबी से बाहर का प्लेयर है वो परफॉर्म कर रहा है लेकिन मेरे साथ खाना नहीं खाता, मेरी गुड बुक्स में नहीं है, तो मैं कभी भी उसको टीम में इतने आराम से नहीं लेके आऊंगा, उसको मैं हर्डल्स पैदा करूंगा। ये उनका कहना है, यानी कि इमाद लॉबी के तहत बाहर है और हसन अली लॉबी के तहत अंदर है, बाबर की लॉबी है उसके साथ जो लोग खाना खाते हैं, जो रोटी खाएंगे, जो भी आप कहें उसको। आसिफ का इंकशाफ, आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग पाकिस्तान की टीम में रहेंगे, बाबर जो है वो उन्हीं को रखेगा जो उसके साथ खाना खाते हैं, उसके साथ जो है वो जी करते हैं या ड्रेसिंग रूम में उसके साथ बैठते हैं।
फिर यही लॉबी वाला क्वेश्चन के साथ हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने बाबर आजम को सिलेक्ट किया था ZTBL के लिए ट्रायल्स में दो गेंदों पर, मेरे पास आजम सिद्दीक जो बाबर के डैड हैं उनके फादर हैं वो आए थे, आप उनसे जाके पूछ लो, उन्होंने कहा। अब कौन पूछे आजम भाई से, इन्होंने कहा जाके पूछे, मैंने दो गेंदों पर सिलेक्ट कर लिया था, मैंने दो गेंदों देख के कहा था, और मैंने कुछ बाबर के फादर को उस वक्त कहा था, उन्होंने बताया नहीं क्या कहा था, लेकिन पता नहीं क्या इंकशाफ था, और उन्होंने कहा कि बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, बाबर जो है वो बॉलर्स के पास जा जाकर उसको बताता है कि गेंद कहाँ डालनी है, कप्तान का काम नहीं होता बॉलर्स के पास जाकर बताओ कि आपने कहाँ गेंदबाजी करनी है, अगर बॉलर बैटर को डिसीव नहीं कर सकता, उसमें काबिलियत ही नहीं है तो निकालो उसको, कप्तान को क्यों बताना पड़ा, यॉर्कर कराओ, अच्छी लेंथ में कराओ, आगे फेंको पीछे फेंको, ये काम नहीं है। उनका इंजी भाई बेस्ट कैप्टन थे, जब जिनके अंडर मैं खेला हूँ, स्लिप में खड़ा हो जाता था वो बंदा, मुझे गेंद दे देता था, कहता था आसिफ जो मर्जी करो, कभी नहीं मुझे बताया उसने। एक कप्तान कहता मुझे तंग करता था, मिड ऑफ पे खड़ा होता था, मुझे कहता था ये गेंद डालो यॉर्कर डालो, मैंने उसको कहा चले जाएं आप यहाँ से, कवर्स पे खड़े हो जाएं, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, ये आसिफ ने कल बोला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़ा इंकशाफ सुने, उन्होंने कहा मुझे 11 लाख रुपया, जब मोहम्मद जाहिद एनसीए छोड़े जो फॉर्मर फास्ट बॉलर थे, पिछले साल मुझे 11 लाख रुपया पीसीबी ने दिया, कहा ऑफर है आ जाओ महीने का 11 लाख लो, मैंने कहा पागल के बच्चों, ये उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा मैंने कहा कि 11 लाख रुपया तो मैं हफ्ते का कमा लेता हूँ यूएसए में जा मैं हूँ, 45 लाख रुपया दो, उतना दो जो मिकी आर्थर को देते हो, पिछले साल 45 लाख मांगा मैंने, डिमांड किया मैंने, रिजेक्ट कर दिया पीसीबी का ऑफर, अब कह रहे हैं ये साल पुरानी बात है अब तो इससे भी ज़्यादा लूंगा, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे आना चाहते हैं लेकिन 45 लाख रुपया लेंगे उससे कम नहीं लेंगे, मैंने कहते हैं अपने बीवी बच्चों को देखना उनको चलाना है, डॉलर में मैं यहाँ पैसे कमाता हूँ, मैं क्यों पीसीबी आऊँगा, क्यों पैसे मैं कम लूँगा, क्यों सर्व करूँगा मैं, आप अभी दो जिन लोगों को रखा हुआ है जिन फॉरेन कोचेस का काम कर रहे हैं उनका काम करो, ये कहना है आसिफ का, 45 लाख से नीचे नहीं आऊंगा, ये भी उन्होंने कहा है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा कि उनको नेपाल और ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, मैं कहते हैं कभी बांग्लादेश और अपना अपना आसिफ बता रहा है कि मैं बांग्लादेश और ये वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के खिलाफ कभी नहीं खेलता था, 6 साल करियर में मैंने कभी नहीं खेला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर करियर प्रोलॉन्ग करना है लॉन्जिविटी चाहिए आपको तो रेस्ट चाहिए बीच में, लगातार लीग्स हो रही हैं, आसिफ ने भी कहा कि पैसों के लिए लीग्स खेल रहे हैं ये प्लेयर्स, पैसों की बात आसिफ भाई ने किया कि ये सारे शाहीन वगैरह ये पैसों के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग्स की वजह से बहुत लीग क्रिकेट होगी, क्रिकेट छोड़ने नहीं चाहते, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वो कहते हैं देखें इस बात को, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां क्रिकेटर से क्रिकेट नहीं जो है वो छोड़ी जाती, ये उनका कहना है, अदरवाइज वो कहते हैं इनको छोटी लीग्स और ये छोटे मैचेस नहीं खेलने चाहिए, करियर लंबा करने के लिए रेस्ट देनी चाहिए इनको, उनका कहना था मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए आपको बीच में रेस्ट देने की जरूरत है वरना फिटीक हो जाती है आपकी बॉडी इंजरी प्रोन हो जाती है, ये आसिफ का कहना है। मैं वैसे आपको एक बात बताऊंगा पर मजे की, मुदस्सर नजर इसके गवाह, मुदस्सर नजर ने बड़ी जल्दी बाबर को स्पॉट किया था, और जब बाबर 2008-09 में 2007 में शुएब अख्तर की भी बल्कि ये अल्फाज हैं, शुएब अख्तर को उन्होंने ड्राइव मारी थी तो शुएब गुस्से में आ गए थे, मुदस्सर नजर ने साइड पे कर लिया था बाबर को, क्योंकि बाबर तब भी फ्लो में खेलता था, तो आसिफ और शुएब अख्तर को बाबर फेस कर रहा था नेट्स में, ये आउट नहीं होता था इन दोनों से, ये पीक पे शुएब अख्तर की और मोहम्मद आसिफ की, बाबर आजम नहीं आउट होता था इनसे, ये बात लिख लें जिस मर्जी से पूछ लें उस वक्त, ये अंडर 15-16 की बात है, बाबर 2007-08 में भी शुएब अख्तर मोहम्मद आसिफ से आउट नहीं होता था कजाफी स्टेडियम के नेट्स में भी, एक टूर्नामेंट में बाबर ने अच्छा खासा स्कोर भी किया इनके खिलाफ, यार आप किस तरह की बातें करोगे आप, मतलब आपको पता है सारा, शुएब ने बातें, शुएब अख्तर ने बातें ऑन रेकर्ड की हुई है और ये सबको पता है, ये इवन हर्षा बोगले ने अपने इंटरव्यू में क्रिक बस के लिए बाबर आजम से पूछी भी थी, सबको पता है उस वक्त के बाबर ड्राइव्स मारता था, बाबर इतने आराम से आउट नहीं होता था, बाबर अपनी विकेट पे प्राइस लगाता था, एक वक्त पे सचिन तेंदुलकर जो अपनी विकेटों के ऊपर जो स्टंप्स के ऊपर सिक्का रख देता था, उसका कोच कहता था ये सिक्का आज तुम्हें मिलेगा अगर तुम पूरा दिन बैटिंग करोगे और बोल्ड नहीं होगे आउट नहीं होगे, और वो एंड में सिक्का लेके जाता था घर, वही बाबर आजम अपनी विकेट पे प्राइस लगाता था, बाबर आउट नहीं होता था। आसिफ की बाकी स्टेटमेंट भी आप सुने जो उन्होंने कही है, आपको उनकी बाकी स्टेटमेंट भी सुनाते हैं अभी। मुझे लास्ट टाइम के मुझे उसने बोला कि हम वो जब जाहिद भाई गए एकेडमी छोड़ के, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, मोहम्मद जाहिद छोड़ के गया था, बिल्कुल वो उनके मिसेस के, हां जी उनका अपना कोई फैमिली इशू था तो दैट्स व्हाई ही लीव इट, मगर उसके बाद मुझे ऑफर हुई है, मैंने वो 11 लाख में मुझे ऑफर कर रहे हैं, 11 लाख तो मैं एक वीक का यहाँ पे कमा लेता हूँ, यही तो मामला है कि आप मॉर्नी मर्कल को पैसों के बोरे भर के दे सकते हो, मिकी आर्थर को पैसे के बोरे भर के दे सकते हो, जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, ये जो ऑनलाइन कोचिंग कर खेला हुआ है इंग्लैंड में एशकम पार्क के गेंस्ट, और मैंने इसके गेंस्ट 90 रन किए हुए हैं जब मैं अंदाजा लगाए 19 साल का था, अंदाजा लगाए अभी भी रैकेट होगा एशकम पार्क के गेंस्ट, मॉर्नी मर्कल मेरे अगेंस्ट खेलने आया और मुझे इन्होंने मेरी क्लब ने 1 डाउन भेज दिया मुझे, ये थोड़ा तेज था उस वक्त, मैं आपको बड़ी ओल्ड स्टोरी सुना रहा हूँ 2000-2001 की एक्चुअली, तो उससे पूछ लीजिएगा, मैं उसके गेंस खेला था बैटिंग में, मैंने क्योंकि ये उस वक्त भी तेज था तो मैं भी तेज था,
हमने किए थे 110 या 109, और मैंने 90 या 90 के अंदर आउट कर लिया था अगली टीम को। फिर ये सुने बात आप, अब आप एक और बात सुनाते हैं मजे की बात, जहां पे इन्होंने ऑफर का जो है वो तस्लीम किया। आसिफ भाई ये तो बताए ना कि उन्होंने 11 लाख कहे तो आप कितने में आने में तैयार हैं, थे नहीं तैयार हैं? जो मिकी आर्थर को दे रहे हैं मुझे भी दो, यानी कि 30 से 32 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। सही है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मिकी 32 लाख में नहीं, मैंने 45 लाख बोले, 45 लाख बोले थे। सुन लिया आपने, कमेंट करें जल्दी से, बताएं स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है। मिलते हैं फिर।